वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो जी आज है सैटरडे, सैटरडे एंड संडे होता है हमारा वीकेंड, तो आज तो फन डे, बैठे मजे कर रहे, चिलैक्स। हे एवरीवन इज गेटिंग फेशियल एक्स। ब्लू कलर का आ रहा था, कल मैं देख ही था, तो लग रहा वाह, वो होने के बाद सबसे सस्ती। देखो अब मैं घर पे खाली बैठा था तो मैंने सोचा कि कहीं भी मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि मैं ना जिम कर जाता हूँ, तो जितनी मैंने कैलोरीज बर्न करी हैं वो सारी, वो जितनी मैंने कैलोरीज खाई हैं तो वो मैं सारी बर्न कर लूँगा। तो इस वजह से बस एक मिनट, किस आई फॉरगॉट समथिंग। जी माँ, अरे यार, हाँ जी, अब चलते हैं। हाँ भाई, क्या कहाँ जा रहे हो? किसके तकिए खा गया? किसके? अरे कहाँ खा गया तेरे? चल कोई बात नहीं। सुबह ही देखो, ये दो चार कपड़े थे ये प्रेस के लिए देने थे, ये भी दे देंगे और चलते हैं। अभी जिम जा तो रहूं बट एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है मेरे साथ। मैं सुबह जिम में, मतलब यहीं पे हमारे पास में जिम थी तो मैं वहां जाने लगा था, क्यों? क्योंकि यार मेरे को ना पार्टनर नहीं मिल रहा था जिम में, तो इस वजह से मेरे पे अकेले इतनी सही पहले मार लेता था, अब नहीं लग पाती क्योंकि मैं वेट थोड़ा ट्राई करता हूँ कि ज्यादा ले मार सकूं, तो इस वजह से अब भाई के पास जाता हूँ। भाई के इतने दिन से छुट्टी मार रहा है यार वो, मतलब बात सुनाते हैं और फिर मैं जैसे कह देता हूँ मैं इनकी भाई अकेले जिम नहीं लगती, तो कहेंगे मेरे साथ मार, और अपने साथ करवाएंगे तो भाई हालत ख़राब करवाने वाली। सो बट अब जा रहा हूँ जिम, अब देखते हैं भाई क्या कहेंगे, पहले तो देखना मुझे, मैं तो डैम श्योर इतना तो पता है कि बातें तो सुनाएंगे, बट कोई ना। देखो पर फेस सही होने लगा, पतला सा, मतलब ऐसा लगता है ना जॉ लाइन शार्प हो एकदम, थोड़ा फेस कट अच्छा लगे तब तो सही ही लगता है। चबी सा एकदम लटका हुआ सा वो जो होता है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहुत अजीब ही लगता है, मतलब उसमें तो। पर पता नहीं कैसे दो तीन दिन पहले इतनी बढ़िया स्किन थी, साफ बिल्कुल, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा ये बात। तो फिर मैं जिसके पास में जाता हूँ बाल वाल कटवाने के लिए, अभी वहाँ गया था एक दिन, तो भाई एकदम कहता है सर आपकी स्किन के पे तो बहुत ग्लो आ रहा है, और उसी दिन नज़र लगा दी, एक दो तीन पिंपल, तीन निशान हो गए, बस दुख हो रहा है। नहीं बोलता तो ही ठीक था, अपने मन में रख लेता, कोई ना जी, हो गए तो हो गए, अब चलती है बस। खाली था इसीलिए मैंने सोची जिम कर आता हूँ, जितनी कैलोरीज खाई होंगी उतनी बर्न हो जाएंगी, सो इसीलिए बस चलते हैं अभी। बैक मारी नहीं थी ट्यूजडे, रक्षाबंधन के चक्कर में भी मार कर, और चलते वापस। देखो अभी आ चुको घर, भाई इतना तगड़ा पंप आ रहा आज बैक मार के, बहुत ही अल्टीमेट जिसे कहते हैं। सो बाकी हाँ, एक गुड न्यूज और, हमारा बेड आने वाला है सुपर सून, दिखाऊंगा अभी, सरप्राइज है ये, बस बनाने के लिए बोल चुके हैं। बेड रेडीमेड नहीं है, बनवाया है अपने पसंद का, बिल्कुल सिस्टम है। नजर लग गई हमारे गेट की, कुंडी टूट गई, अब वेल्डिंग के लिए। अच्छा मां भाई, गोपी क्यों रो रहे हो? ये किसकी बाइक है? ये देखो अभी फेस वॉश करा है यार, ये निशान से जो है ना बड़े बुरे लग। बाकी देखो बाहर दिखा के हम सब घूम रहे हैं, ये देख
खड़ी है, वो कैसे खड़ी है, वो देखो घूम रहे सब। और हाँ हमारी देखो मेरे लगी इसको तो टूट नहीं गया इतनी जल्दी, बल्कि लोहे का दुख है सब अच्छा बड़ी ही। यहाँ तो ये देखो ना लाइट जलती है तो क्या ग्लो होता है, ओए ओए जैसे कितने सुंदर हो, और वहाँ ऐसा लगता है कि यह काले बिल्कुल बेकार बुरे। सो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, बेकार लगी हो तो डिसलाइक करो, और जो भी चीज़ आपको मतलब कि लगती है कि मतलब शेयर करनी चाहिए वो कमेंट्स करके बताओ जल्दी से। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस।